सो व्हाट अप गाइस, कॉम्प्लेक्स गेमर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो है क्यू एन ए वीडियो। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं क्यू एन ए वीडियो डालूंगा, तो गाइस रेडी है, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं। और जैसे कि मैंने बोला ही था कि मेरे क्यू एन अपडेट वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लोग डाल देना आप अपने सारे क्वेश्चंस। तो काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए एक एक करके आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है हर्ष हरित से, भाई कैसे मैनेज करते हो तुम ट्यूशन और चैनल दोनों, पेरेंट्स का क्या व्यूज है जैसे तुम स्ट्रीम कर रहे हो स्कूल टाइम में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई स्कूल के बारे में बता दूं कि मैं 12th में पढ़ता हूं और मेरा जो स्कूल है उसमें मैं साइंस स्ट्रीम में हूं, तो मुझे प्रैक्टिकल डेज पे जाने पड़ते हैं, तो ज़्यादा जाना नहीं पड़ता स्कूल में, बस दो प्रैक्टिकल डेज में जाने पड़ते हैं, और वो भी थे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए, फिर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होते हैं, वो लोग बोलते हैं भी घर पे बैठ के पढ़ो आराम से और इतना स्कूल आने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइक 12th में बहुत ज़्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, तो भाई वही ज़्यादा इंकरेज करते हैं हमारे स्कूल में। और हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद आपको स्कूल उतना जाने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो गाइज या और अगर ट्यूशंस और स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो भाई बहुत ईजी है मैनेज करना, इतना कुछ टफ नहीं है। जैसे मैंने अपना खुद का रूटीन बना लिया है, मेरा रूटीन ये है कि भाई मैं रात को जैसे 11 बजे से बैठता हूँ पढ़ने और 3 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आराम से सुबह को 10 बजे उठता हूँ, 9:30 या 10 के बीच में उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10-10-10:15 में थोड़ा सा और पढ़ने बैठता हूँ, उस टाइम पे थोड़ा सा कंप्यूटर कर लिया, जो फिजिकल एजुकेशन का थोड़ा सा देख लिया, ये सब छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो सब मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एडिशनल कंप्यूटर है और फिजिकल एजुकेशन है, तो उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसके बाद मैं 11:30 से 12 बजे के बीच में थोड़ा सा गेम खेलता हूँ 1 बजे तक, फिर मैं नहाता हूँ और फिर मैं लंच करके फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठता हूँ दोपहर को 1-1.5 घंटा पढ़ के, उसके बाद अगर ट्यूशन से थी तो ट्यूशन में जाता हूँ, ट्यूशन से आने के बाद फिर थोड़ा सा उस टाइम पे 8-10 मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ, वो मैं स्ट्रीम करता हूँ, गेम स्ट्रीम करता हूँ और गेम खेलता हूँ, वो मेरा मतलब है भाई रिलैक्सेशन टाइम मुझे लगता है, और उस स्ट्रीमिंग में भी मैं उसी को लगा देता हूँ। तो गाइस वही 8-10 मैं वहीं पर स्ट्रीम कर लेता हूँ और फिर रात को 11 बजे बैठता हूँ, फिर 3 बजे तक पढ़ता हूँ, ऐसा रूटीन मेरा क्या होता है कंटिन्यू होता रहता है। तो ये कुछ उतना हार्ड नहीं है कि भाई गेमिंग और पढ़ाई उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट गेमिंग के क्या होती है एडिक्शन लग जाती है, जैसा मुझे पहले हुआ था, तो उसमें मेरे को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, तो उसके बाद मैंने 11th में था मैं, उसके बाद जैसे 12th में आया तो भाई मैंने अपना रूटीन बना लिया कि भाई चलो ये रूटीन है इसको फॉलो करना ही है हर हाल में। तो गाइस ये बस अपना रूटीन बना लो, रूटीन में चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गेम भी खेल लोगे आप स्टडीज भी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है रीप्रो की तरफ से, ब्रो डू यू प्ले स्टोरीलाइन गेम्स एंड इफ यू प्ले देम प्लीज स्ट्रीम देम आल्सो। तो भाई रीप्रो, भाई आई डू प्ले स्टोरीलाइन गेम्स, ऐसी कोई स्टोरीलाइन गेम नहीं है जो मैंने नहीं कंप्लीट की है, काफी मैंने स्टोरीलाइन गेम कंप्लीट की है, और पहले तो मैं मल्टीप्लेयर गेम ज्यादा खेलता ही नहीं था एक्चुअली बताऊं तो। मल्टीप्लेयर गेम में अगर मैं बताऊं तो मैं CS खेलता था थोड़ा बहुत, बस यही गेम्स खेलता रहता था मैं, उतना ज्यादा मतलब मल्टीप्लेयर गेम्स नहीं खेलता था, बस स्टोरी गेम्स का मैं बहुत ज्यादा फॉन्ड था और मैं काफी स्टोरी गेम्स खेल चुका हूँ। विचर 3 मैंने एंड की है, फार क्राई 5 जब आई थी वो मैंने एंड की है, और रेड डेड रिडेम्पशन 2 मैं थोड़ा थोड़ा खेलता रहता हूँ अभी, लेकिन मैं भाई स्ट्रीम नहीं कर पाता इनको क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता स्टोरी गेम ज्यादा देखने में, ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ पबजी मोबाइल एंड पबजी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट लोग भाई नहीं देखना चाहते स्टोरी गेम्स। और मैंने ट्राई भी किया, रेड रिडेम्पशन 2 मैंने ट्राई भी किया, लेकिन उतना ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, कमेंट्स में लोग बोलते हैं पबजी खेलो, तो भाई मल्टीप्लेयर गेम्स ही मैं स्ट्रीम पे ज्यादा खेलता हूँ। नेक्स्ट है भाई रिपुन रॉय की तरफ से, व्हाट आर योर व्यूज ऑन व्यू बॉटिंग इन यूट्यूब इंडिया। तो भाई व्यू बॉटिंग अगर मैं बताऊं तो हाँ भाई ये ट्रूथ है, ये कोई मिथ नहीं है कि काफी लोग बोलते हैं कि भाई व्यू बॉटिंग नहीं होती, भाई होती है व्यू बॉटिंग, और इसका भाई यही एडवांटेज है कि व्यू बॉटिंग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा रहे हैं, वो लोग व्यू बॉटिंग से वो लोग 1,500-2,000 वॉचिंग पे ला रहे हैं, और जितनी ज्यादा वॉचिंग रहेगी ट्रेंडिंग पे आप उतना ज्यादा ऊपर जाएगा और लोग आपको उतना ज्यादा देखेंगे भी, तो सब्सक्राइब भी करेंगे ऑब्वियसली। तो वही है भाई, लोग देख रहे हैं उनके स्ट्रीम्स को और भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो भाई व्यू वॉटिंग अगर इंडिया में हो रही है, ये ट्रुथ है कि इंडियन स्ट्रीमर्स कर रहे हैं, कुछ इंडियन स्ट्रीमर्स, मुझे नाम नहीं पता और मैं नाम पता होगा मैं लूंगा भी नहीं, तो
या यू शुड नेवर डू दिस बिकॉज मेहनत करो, अपनी मेहनत से यूट्यूब के ऊपर जाओ, तो भाई इसी में सबका फायदा है। नेक्स्ट है भाई मिस्टर स्प्रेयर की तरफ से, टेल फ्रॉम योर हार्ट हु इज योर बेस्ट टीममेट इन रेनबो सिक्स सीज। भाई मेरा बेस्ट टीममेट है मिस्टर स्प्रेयर, ऑब्वियसली मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ, स्ट्रीम में ही बोल चुका हूँ, भाई मिस्टर स्प्रेयर मेरा रेनबो सिक्स सीज में, पबजी पीसी में और जितने मल्टीप्लेयर गेम्स मैंने खेले उसके साथ सब में मेरा और मिस्टर स्प्रेयर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। और मतलब हम लोग बहुत अच्छा मतलब करते हैं एक साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तालमेल जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है। और वो कभी मैं कॉल देता हूँ वो जाके मारता है, कभी वो कॉल देता है मैं जाके मारता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेशन लेवल मतलब 100 है मेरे और उसके बीच में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगिक के तरफ से है, भाई घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारे गेमिंग एक्टिविटीज़ को लेकर, कभी तो गुस्सा होते ही होंगे क्यों? हाँ भाई बिल्कुल, देखो घर वालों का रिस्पॉन्स जब मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले, मैंने बोला ऐसे मैं थोड़ा ज़्यादा एडिक्टिव हो गया था गेम्स की तरफ 11 के एंड पे, तो उस टाइम पे तो घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया, बहुत कुछ बोला, उसके बारे में मैं खुद ही सोच लिया कि भाई अब तो 12 हो गया है, अब बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एक बार ही आता है। तो मैंने जैसे बोला कि भाई रूटीन बना लिया, उसके बाद घर वाले भाई खुद अभी तो फिलहाल के लिए खुशी है, मतलब सेटिस्फाइड है, खुश नहीं बोलता, सेटिस्फाइड है मेरे से। और फिर अभी रिजल्ट निकलेगा, एग्जाम्स होंगे, तब समझ में आएगा कि क्या होता है, फिर घर वालों का रिस्पॉन्स आएगा। बट डांटे, डांट तो पड़ी है भाई, बहुत डांट पड़ी है, ये तो भाई है कि डांट पड़ी है, बट मैंने जब से रूटीन फॉलो किया अपना 12 के स्टार्ट से, मैंने रूटीन जो फॉलो किया उसके बाद से मुझे डांट बहुत कम पड़ गई है, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं भाई रात जग जग के पढ़ रहे, थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा खेल लेगा स्ट्रीम कर लेगा तो क्या है भाई, तो हाँ भाई फिर, बट फिर भी पेरेंट्स का तो टेंशन होता ही रहता है थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभोदी मानतो का, कोता है था को ब्रो, शुभोदी मानतो, आई लिव इन वेस्ट बंगाल कोलकाता एंड नॉर्थ 24 परगना में रहता हूँ मैं, और नॉर्थ 24 परगनास में, और मैं रहता हूँ भाई माइकल नगर में, और मेरा अपार्टमेंट का नाम है ब्लू बेल अपार्टमेंट, तो वहाँ रहता हूँ मैं। गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई शुभोदी मानतो गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, अभी तो मतलब गर्लफ्रेंड तो भाई मतलब मुझे मरवाना नहीं अपना, बस यही है, बस गर्लफ्रेंड नहीं है भाई मेरी। एल्फोंस के अलसिफ की तरफ से है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई यार को तो टट्टी बोल भी एंड कस्टम में आर डॉग अलाउ कोड भी, अच्छा मैं इसको थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, भाई और कितना टट्टी बोलेगा और कस्टम में डॉग अलाउ करेगा क्या? तो भाई टट्टी ये क्या है, मतलब अभी मैंने थोड़ा बंद कर दिया, मतलब मैं जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो जैसे मिस्टर स्प्रेयर के साथ खेल रहा हूँ, एल्फोंस के साथ खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब वो ओपन हो जाता हूँ कि भाई अरे यार क्या टट्टी खेल दिया यार, ऐसे बोल देता हूँ, तो भाई हाँ बोलूँगा बिल्कुल, और सबका एक रहता ही है कुछ ना कुछ, भाई मेरा ये है बैड हैबिट और क्या बोलूँ, और कस्टमर डॉग अलाउ बिल्कुल नहीं करूँगा, शॉटगन से बहुत पहला था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिदा की तरफ से, योर फेवरेट फूड? भाई मेरा फेवरेट फूड है बिरयानी भाई, क्योंकि मैं नॉनवेज हूँ और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और मुझे लगता है ज़्यादातर बंगालियों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, मेरे को तो भाई बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फेवरेट फूड बिरयानी भाई। तो नेक्स्ट है भाई जी एलिमेंटल्स की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल योर गेम प्ले आर ऑसम एंड आई ऑलवेज सपोर्ट यू ब्रो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम एंड वाले दिन में और कौन कौन से एंड वाले दिन में और कौन कौन से गेम खेलोगे, एंड यूट्यूब करियर में आगे क्या नया देखने को मिलेगा, एंड तुम्हारा ड्रीम क्या है एक्सेप्ट यूट्यूब, बाय द वे लव यू मैन, एंड कभी खेलेंगे जरूर साथ में, स्ट्रीम करेंगे, होप यू गेट वन के सून। थैंक यू जी एलिमेंटल्स फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर दिस कमेंट, थैंक यू वेरी मच। और जो तुम्हारा क्वेश्चन है जी एलिमेंटल्स की आगे कौन से गेम्स खेलेंगे, तो भाई जो भी नए गेम्स आएंगे सब खेलने की ट्राई करूंगा, लेकिन भाई कुछ स्टोरी गेम्स जैसे कि नई स्टोरी गेम्स आई जैसे शैडो ऑफ टूम रेडर, वे आउट, अभी तो इन गेम्स को मैंने खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेरे को, बिकॉज सर रेड डेड रिडेम्पशन 2 खरीदी है बट पड़ा हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, 20% कंप्लीट हुआ है शायद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा खेलने का, और मुझे मतलब 8 से 10 महीने जैसे बोला कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्ट्रीम करता हूँ उस टाइम पे, और अभी तो जैसे प्रोजेक्ट्स आ गए तो मैं 2-3 दिन से स्ट्रीम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तभी भी थोड़ी खराब होगी, गले में दर्द हो रहा है, तो भाई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं इसलिए मैं 2-3 दिन से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, बट कल से भाई फिर करूँगा भाई स्ट्रीम करूँगा बिल्कुल। और जैसे बोला कि भाई तुम्हारा और क्या ड्रीम है एक्सेप्ट यूट्यूब, भाई अगर मैं बोलूँ कि यूट्यूब मेरा ड्रीम नहीं है, यूट्यूब एक लाइक माई इट्स लाइक माई हॉबी, ठीक है, YouTube मेरी हॉबी है और मेरा पैशन भी है YouTube, एक्चुअली YouTube से भी ज़्यादा मेरा गेमिंग बहुत ज़्यादा पैशन है, मुझे मतलब गेमिंग में कुछ करना है ऐसा
मुझे लगता है कि मैं अगर सपोर्ट मिलेगा तो कर लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मेरा ड्रीम है इंजीनियरिंग करना, और फिर इंजीनियरिंग करते करते थोड़ा बहुत गेमिंग में अगर कुछ हो सके, कुछ हाई लेवल पे कुछ कर सको, कॉन्टेस्ट खेल सको या फिर कुछ हाई लेवल पे जा सको, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और YouTube मेरा हॉबी है, और अगर बोलूँ तो भाई YouTube एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लाइक ऑडियंस से कनेक्ट करती है, तो मुझे ऑडियंस से कनेक्ट होना बहुत पसंद है। और मैं आप लोगों से जैसे कनेक्ट होता हूँ, स्ट्रीम पे बात करता हूँ, कमेंट्स में आपके रिप्लाई देता हूँ क्वेश्चंस के, इसमें अभी दे रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ और लाइव बात कर पाता हूँ, तो भाई और भी अच्छा लगता है। तो भाई YouTube मेरी हॉबी है, और लेकिन ये मुझे अभी तक मेरा कोई एम नहीं है कि मैं YouTube को ही आगे लेके जाऊंगा अपने करियर पे, ऐसा कोई एम नहीं है, बट इट्स अ हॉबी, बस ये बोल सकता हूँ मैं। शुभ मान तो सेइंग रॉयल पास का जुगाड़ कर दो। रॉयल पास का जुगाड़ भाई मैं गरीब इंसान हूं, मैं नहीं कर सकता भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स गेमर को कॉम्प्लेक्स गेमर ने क्वेश्चन किया है, भाई तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे शाउट आउट चाहिए, तुम अपने वीडियो के नीचे लिंक डाल दो मेरे चैनल का, और मेरा क्वेश्चन है कि मोबाइल से स्ट्रीम कैसे करते हैं, और तुम प्लीज रॉयल पास गिव अवे का वीडियो बनाओ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कॉम्प्लेक्स गेमर भाई, मेरा आपने मतलब बोला कि आप मेरे फैन हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और शाउट आउट टू कॉम्प्लेक्स गेमर फिर से, और चैनल का लिंक मैं बिल्कुल डाल दूंगा, बिल्कुल आप, मैं अपने स्ट्रीम पे आपका चैनल का लिंक जरूर डाल दूंगा, और चेक भी करने बोलूंगा लोगों को आपका चैनल। और रॉयल पास के गिव अवे भाई मैं गरीब इंसान हूँ, मैं भी मतलब मैं कुछ खुद कमाता नहीं हूँ, तो भाई मैं अपने डैड से ही मांगता हूँ भाई, जो मांगता हूँ मैं अपने डैड से ही मांगता हूँ, तो फिलहाल के लिए तो भाई ये रॉयल पास का गिव अवे नहीं हो पाएगा, बट जैसे ही 1K सब्स पे हम लोग पहुंचेंगे मैं गिव अवे बिल्कुल करूंगा, जरूर करूंगा, और मजा भी आएगा उसमें, तो 1K सब्स तक पहुंचते हैं उसके बाद गिव अवे करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम गेमिंग विद अतानु, हाउ मच डू यू गेट फ्रॉम स्ट्रीमिंग? भाई जीरो जीरो, आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रीमिंग, मैं जस्ट इसको करता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रीम करना अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों से लाइव बात कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, कमेंट्स आपके पढ़ सकता हूँ, क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ, अपना गेम प्ले आपसे शेयर कर सकता हूँ लाइव, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है स्ट्रीमिंग, और इसलिए मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई मनी नहीं मिल रही है स्ट्रीमिंग से, और एक्चुअली बताओ तो मुझे इस मनी चाहिए भी नहीं स्ट्रीमिंग से, बिकॉज लाइक ये मेरा मैं ये नहीं सोचता कि मेरा कोई इनकम है, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे 330 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को 330 लोगों ने सब्सक्राइब किया, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, अब देखेंगे भाई, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। नेक्स्ट है भाई भानु गेमिंग चैनल से, इन विच क्लास यू आर? भाई मैं 12th पे पढ़ता हूँ, और प्रेशर है भाई, स्ट्रीमिंग का भी प्रेशर है, और मतलब स्ट्रीम करता हूँ और गेम खेलता हूँ, तो भाई और स्टडीज को मैनेज करता हूँ, तो इसमें थोड़ा प्रेशर हो जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु गेमिंग से फिर से एक और, व्हाट इज योर एज? तो भाई मेरा एज है 17+, और इस जून के 9th को मैं हो जाऊंगा 18, तो भाई मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष वर्मा का, कॉम्प्लेक्स और रियल क्वेश्चन मार्क? तो भाई कॉम्प्लेक्स ही हूं मैं, रियल रियल भी हूं कॉम्प्लेक्स भी हूं, और अगर मैं बोलूँ तो भाई मैं मेरा दिमाग हमेशा कॉम्प्लेक्स ही चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ उठपटांग मुझे समझ में आते ही रहता है, मतलब करना बनता ही है, और मेरे दोस्त भी ऐसा ही बोलते हैं। रैम्बो रेक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रैम्बो रेक, व्हाट आर योर व्यूज ऑन एमुलेटर वर्सेस पीसी गेमर्स कॉन्ट्रोवर्सी? तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये मुझे और दो तीन लोगों ने भी स्ट्रीम पे पूछा था कि व्हाट आर योर व्यूज, कि ये जो चल रहा है अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है एमुलेटर वर्सेस पीसी वर्सेस मोबाइल गेमर्स, इसका आपका क्या रिएक्शन है? तो भाई इसका तो मेरा बहुत ज्यादा थॉट है इसके बारे में, बहुत बड़ा थॉट है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके बारे में अपना रिएक्शन का वीडियो बनाऊं और मैं अपने थॉट्स डालूं उस वीडियो पे, तो अलग वीडियो बनाऊं अगर, तो गाइस कमेंट कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा, जरूर बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एज अ स्ट्रीमर भी इसके ऊपर रिएक्ट करूं और अपने व्यूज अपने थॉट्स एक्सप्रेस करूं, तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं जरूर बना दूंगा अलग वीडियो, बट अभी फिलहाल के लिए इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो भाई कॉन्ट्रोवर्सी कुछ नहीं है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रीमर्स में थोड़ी सी इधर उधर हो रही है बातें, बट जो भी है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ग्रो हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, अब चाहे वो जैसे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम भानु गेमिंग चैनल, हाउ टू गो लाइव इन पीसी? तो भाई मैं तो लाइव होता हूँ पीसी में OBS स्टूडियोज से, आपको गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा OBS स्टूडियोज, और आप फिर से
उसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके फिर उसका अगर अलग ट्यूटोरियल वीडियो है मेरे चैनल पे भी उसका वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चुंग्स गेमिंग चैनल, ब्रो पबजी मोबाइल मोर ऑफन, एनीवेज कम टू पॉइंट, हाउ इज योर स्टडीज एंड व्हाट ऑल गेम्स डू यू प्लान टू प्ले इन फ्यूचर। तो भाई जरूर पबजी मोबाइल जैसे मैंने ट्राई भी किया था पिछले संडे की, और आज संडे है तो मैंने आज भी बोल भी दिया था मैंने आज सुबह को कि करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ काम था तो मैं नहीं कर पाया आज सुबह को, बट कल मैं ट्राई करूंगा शाम को पबजी मोबाइल की ऑन मोबाइल स्ट्रीम दूं। तो हाँ भाई बिल्कुल, और हाँ मेरा स्टडी बहुत अच्छा चल रहा है भाई, रूटीन फॉलो कर रहा हूँ एकदम, एंड जो भी नई नई गेम्स आएंगी मल्टीप्लेयर स्टोरीज मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा उनको, पीसी PS4 जो भी आएगी मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, अगर एक्सबॉक्स की आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास एक्सबॉक्स है नहीं, और ट्राई करेंगे बिल्कुल एकदम सारे गेम्स में। आई विल ट्राई टू कवर रिपीटेड कॉन्टेंट आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैंने फोर्टनाइट ट्राई किया, पबजी पीसी तो मैं खेलता रहता हूँ, रेनबो सिक्स सीज खेलता रहता हूँ, ऐसे आपको कॉन्टेंट रिपीटेड कॉन्टेंट नहीं मिलेगा, एक ही कॉन्टेंट नहीं मिलेगा आपको, चेंजेबल कॉन्टेंट मिलेंगे। नेक्स्ट है फाइटर गेमिंग की तरफ से, तेरा सबसे चूतिया दोस्त कौन है और वो चूतिया क्यों है। तो भाई मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, बट जितने भी दोस्त बनाए मेरे सारे चूतिया ही हैं, और सबके आई थिंक मैक्सिमम जो बेस्ट फ्रेंड्स और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो सारे चूतिया होते हैं। तो भाई हाँ बस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋषिदा, योर क्रश। भाई मेरा क्रश है बिरयानी, कहीं भी कभी भी किसी वक्त मैं उसको खा सकता हूँ और बहुत मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईशान जैन, मुझे रॉयल पास दे दे सीजन 5 का फ्री, और एक बात बता, गेमिंग मॉनिटर अंडर 10,000 फॉर PS4। अच्छा तो भाई गेमिंग मॉनिटर अंडर 10,000 फॉर PS4, दो तीन मॉनिटर्स का मैं अभी तो मुझे मॉडल नंबर इतना पता नहीं है, बट दो तीन मॉनिटर्स अगर PS4 PC दोनों ही एक है तो मतलब दोनों में ही एक ही क्वालिटी आपको फुल HD अगर मॉनिटर चाहिए 10,000 रुपीज में, फुल HD आता है तो फुल HD मॉनिटर 10,000 में, 10,000 या 10,000 के अंडर मैं दो तीन मॉनिटर्स अच्छा जो मुझे लगेगा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना, अमेजोन का लिंक डाल दूंगा मैं। और जितना बात है रॉयल पास की, तो भाई मैंने जैसे बोला मेरे पास खुद के कोई पैसे नहीं है तो भाई गिव अवे भी नहीं हो सकते, 1K सब्स होंगे, उसके बाद सुपर चैट्स भी दो तीन आएंगे तो उसके बाद देखेंगे, भाई बिल्कुल गिव अवे करूंगा मैं 1K सब्स के बाद। तो लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेमिंग विद अतानु, वेयर डू यू लिव, योर फुल एड्रेस, व्हेन यू विल फिक्स योर माइक। तो मैंने क्यों अपडेट वीडियो में बोला ही था मेरा माइक का प्रॉब्लम है, तो वो कुछ नहीं बस वीडियो एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज हो गया था तो भाई थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आ गया था, एंड मैं रहता हूँ भाई वेस्ट बंगाल कोलकाता नॉर्थ 24 परगनास माइकल नगर, अपार्टमेंट का नाम है ब्लू बेल अपार्टमेंट, ब्लू वेल नहीं ब्लू बेल बोल रहा हूँ मैं, और बस ये है मेरा फुल एड्रेस। गाइस यही थे आपके सारे क्वेश्चंस, तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा ये Q&A वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन ठोक देना, कल से मैं फिर से स्ट्रीमिंग पे आ जाऊंगा। और गाइस मैंने जैसे बोला ही कि अगर आपको चाहिए कि अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपना रिएक्शन या फिर थॉट्स या व्यूज मेरे जो है उस एमुलेटर वर्सेस PC वर्सेस मोबाइल गेमर्स की कॉन्ट्रोवर्सी में अगर डालना है मेरे को, तो आप प्लीज कमेंट में बताओ कि मुझे हम लोगों को चाहिए ये वीडियो, तो मैं अपने व्यूज और थॉट्स एक्सप्रेस कर दूंगा। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू एंजॉयड द Q&A वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, बाय गाइस।